सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक ही होंगे। दिवाली आने वाला है तो उसकी तैयारी कैसे चल रहा है वो भी बताइएगा। और आज मैं फिर से आ चुका हूँ मोबाइल लेजेंड्स लेके। देखिए मोबाइल लेजेंड्स का रिव्यू आ रहा है एक के बाद एक, और नया जो भी बाकी गेम्स स्पाइडरमैन और एवेंजर्स वो भी आएगा। तो मैं ज़्यादा थोड़ा रैंक पुश कर रहा हूँ तो इसलिए मोबाइल लेजेंड्स का वीडियो ही दे रहा हूँ। बाकी भी आएगा, कोई चिंता की विषय नहीं है। तो आज इस गेम में हम लोग देखेंगे कि सेबर साइड लेन में कैसे लगता है। तो ये पूरा ही साइड लेन वाला वीडियो है होगा। और उससे भी बड़ी बात है, इस वीडियो में है एक अल्टीमेट ट्रोलर जो कि हमारे टीम से होगा। तो आप लोग देखिए, मैं मतलब कि ये जो हीरो पिकिंग का साइट है मैं पूरा इस बार दूंगा, क्योंकि आप लोग देखिएगा कि कैसे एक ट्रोलर एक गेम को मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देता है और पूरा गेम का मेंटेलिटी को ख़त्म कर देता है। और जैसे जैसे बोलता है वैसे उल्टा उल्टा बोलता रहता है। तो एनिमी से भी ज़्यादा प्रेशर तो एक मतलब कि ट्रोलिंग टीममेट ही दे सकता है। तो बस आप लोग देखिए, और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जो लाल वाला बटन है उसे दबाओ यार। देखिए, और एक बात मुझे बोलना था कि अगर मेरा 1K सब्सक्राइबर पूरा होगा जिस दिन, उस दिन मैं एक गिव अवे करूँगा जो कि होगा मोबाइल लेजेंड्स का। ठीक है, 3 एपिक 3 गिव अवे और वो मैं करूँगा। मुझे याद है वो मुझे देना चाहिए 1K सब्सक्राइबर की खुशी में, तो मैं वो दूँगा। पहले 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए फिर। तो आप लोगों को क्या करना है, जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर पूरा करना है तो मैं एक इवेंट के थ्रू 3 एपिक स्किन गिव अवे करूँगा। ठीक है, तो अभी मैं ये बताने वाला ही था कि जब मैं मेरा 500 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता फिर मैं बताता, पर आज ही बता दिया। चलो, तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं मेरे टीम से बाकी तो यिन और जॉनसन बैन है, और एनिमी ने बैन किया है गुशियन और मेलेसा। और मेरे टीम से अभी तक पिक हुआ है जूलियन, सेवर, डिगी और मेरा ये दोस्त जो खेल रहा है वो खेल रहा है खुफरा। और अभी मार्क्समैन लेगा ये मॉस्को। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डिगी को, तो ये डिगी क्यों पिक किया मुझे पता नहीं। और ये देखिए, ये शुरू हो चुका है। देखो फिर से ये अभी ट्रस्ट ऑफ, और देखो ये भी ले लिया जंगलिंग आइट मतलब कि रेट्रीब्यूशन। और इधर मैं इसे टाइप करके बता रहा था कि डोंट ट्रोल। पर ये डिगी सुना नहीं। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि आप लोग अगर मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो जो लाल वाला बटन है उस पर एग्जीक्यूट मारिए कि रिट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और 1K सब्सक्राइबर पे मैं तो मैंने बोल ही दिया कि मैं 3 एपिक स्किन गिव अवे करूँगा। तो जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर कर दो तुम लोग। तो जैसे कि अब गेम में फोकस करते हुए मैं देखो, डिगी तो पूरा ट्रॉल करेगा इस गेम। देखिए वो रेट्रीब्यूशन भी ले लिया है और जूलियन के साथ खड़ा है उधर, और मेरे सामने है रूबी। रूबी एक अच्छा साइड लेनर है क्योंकि सेबर एक एक्सक्लूसिव हीरो है और सेबर के पास उतना ज़्यादा लाइफ स्टील भी नहीं है, पर रूबी के पास है। तो रूबी से लड़ना थोड़ा टफ होगा,
जाती है। चलिए देखते हैं क्या होता है, आगे ही सब बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। पर हाँ ये एक है कि आप सेबर की फर्स्ट स्किल से एनिमी को अच्छा पोक कर सकते हैं और ऐसे करके एनिमी का लिया हुआ मतलब कि बफ को भी चुरा सकते हैं और बस पोक करते रहिए फर्स्ट स्किल से। जो भी अगर एक्सपीलियन में आप लोग खेलने वाले हैं या फिर मैं अगर सजेशन दूंगा तो सेबर एक्सपीलियन में ही खेलना अच्छा है। अगर कोई कुछ हेवी वेट फाइटर ना हो जैसे कि थामूस या फिर लापू ऐसा कोई हेवी वेट फाइटर ना हो तो आप लोग खेल सकते हैं ऑनलाइन में। तो इधर एक बात मुझे थोड़ा उत्पटंग लगा कि एनिमी से वुजोंग जंगलिंग कर रहा है, क्योंकि वुजोंग साइड में बहुत अच्छा है, जंगलिंग उतना अच्छा नहीं है। तो फिर भी वो कर रहा है, ठीक है, सभी का माइंडसेट और गेमिंग एक अलग अलग होता है। और इधर रूबी, रुको भाई रुको, कितना क्या जल्दी होती है। एक बार मैं मर चुका हूँ उसे मारने की। I'm a man with sad stories. और टाटल इधर कोई नहीं ले रहा है, कोई टाटल लो यार। और हमारे पास दो हाइकर हैं पर कोई भी टाटल अटैक नहीं किया अभी तक। और अगर आप लोग रूबी के साथ लड़ रहे हैं तो एनिमी के टरेंट से दूर ही रहिएगा, क्योंकि उसके पास एक स्किल है जो आपको खींच के अंदर लेके जा सकता है और सेकेंड स्किल जो गलती है और सेकेंड स्किल से उसको स्टन करके मार सकता है। रूबी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है एज ए हीरो। उसके पास सीसी है, स्लो स्किल है फर्स्ट स्किल वाला जो स्लो इफेक्ट देता है, चार्ज होता है और ये ख़त्म। और पकड़ लिया एटलास में और ख़त्म कर लिया। अच्छा कॉम्बो था इन दोनों का, दोनों ही स्टंट। और दिए देखिए बोला ना अल्टीमेट ट्रोल डिगी, एनिमी का मतलब कि खुद का ही बाफ ले रहा है, वो खुद ही खुद कर रहा है। उसे मैंने लिखा भी डिगी था। और इधर हमारा इनको पुश करने की कोशिश कर रहा है वुजोंग और एटलास मिलकर। और रूबी भी देखिए बहुत हार्ड पुश कर रहा है इधर। और ये लग जा गुरु लग जा, हो जाएगा आई गेस, ये हो गया। देखिए वो मारा था अल्टी, फ्लिकर अल्टी कॉम्बो, बट हुआ नहीं, मेरा लास्ट ब्लो पड़ गया था उसके ऊपर। लोल की है इसकी टीम पुश। और एनिमी के पास वैन वैन है जो कि एक अच्छा मार्क्समैन है। और इधर मैं कोशिश कर रहा था कि अगर इसको लिया जाए पर नहीं ले पाया। और इधर एनिमी टर्टल पे अटैक करता हुआ, और इधर एक गलती हो गया कि मेरा फर्स्ट किल जस्ट बंद ही होने वाला था तो उस समय मैं अल्टी मारा वो भी टैंक को। ये एक गलती हो गया मेरे से, और आप लोगों ने ऐसा गलती नहीं करना है। अल्टी कभी भी टैंक पे मत यूज़ कीजिए, अगर आपके पास बिल्ड है तो ही यूज़ कीजिए। और किल सिक्योर करना है तो ही यूज़ कीजिए अगर टैंक की हेल्थ कम हो। पर इधर हुआ नहीं क्योंकि मेरा पैसिव जो ब्लेड था वो जैसे कि ऐसे घूम रहा है। और अभी देखिए ये जो घुस गया अंदर, उसके पहले मैंने मारा था अल्टी। आपको फर्स्ट किल यूज़ करके फिर मारना चाहिए था, तो उधर एक गलती हो गया। और इधर रूबी से फाइट, वायरस का पैसिव भी ऑन है पर मेरे पास नहीं है माना। ओहो माना होता तो एक ट्राई कर सकता। और ये ट्राई किया, अरे यार देखा रूबी ने कितना चार्ज हो गया। रूबी
यूवी का ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आता है, वो चार्जिंग भी ले लिया तो बहुत चार्ज होगा। एक एक रूबी तो अल्टी और सेकेंड स्किल पे पूरा चार्ज हो जाता है, 10% HP से फुल 100% HP। और इधर हमारा लेन रूबी ने पुश कर दिया, जो कि एक गलत हो गया हमारे साथ। और ये एक बार फिर से ये देखिए, मैंने फर्स्ट किल से चोरी कर लिया क्रैप को, तो मुझे जल्द से जल्द पुश करना होगा, क्योंकि रूबी इधर पुश करते ही जा रहा है, बहुत हार्ड पुश कर रहा है वार्ली से ही। साइड लेन में सेवर बहुत ही ध्यान से खेलना होता है, क्योंकि अरे डीजी क्या कर रहा है क्या पता। ये देखिए टाइटल लेने की वजह, उसके पास रेट्रीब्यूशन था पर फिर भी वो टाइटल लेने की वजह चला गया। और ये उजोंग खुफरा की मारने, खुफरा को मारने की कोशिश कर रहा है। और ये भेल चलो ये भी आ गया, ओहो और इधर रूबी के पास चार्ज का बिल्ड है, एंटी हिल बिल्ड लेना होगा गेम में, क्योंकि उजोंग भी है। और ये देखिए कितना चार्ज हो गया, और ये उजोंग भी आ गया है, भेल भी आ गया है, और नमाल भी मार दिया। ओए अरे यार, ओ बच गया, अरे मैंने एग्जीक्यूट मारा था, फिर छोड़ो मर गया, यही काफ़ी है। और भेल थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैं बुश में चला गया था, मेरा एग्जैक्ट लोकेशन उसे मिला नहीं। एक्सक्यूज देने में माहिर है ये लोग। ओहो बच गया ऐसी वॉन, और ये ओह लास्ट ब्लो नहीं मार पाया। अगर लास्ट ब्लो मरता तो वो भी मरता, मैं भी मरता। ठीक है चलो कोई बात नहीं। और ये डिगी अल्टीमेट ट्रोलर क्या कर रहा है मुझे अभी तक पता नहीं है, करना क्या चाहता है वो भी पता नहीं। ये जूलियन और भी अच्छा खेल सकता था अगर डिगी उसका बाफ नहीं ले लेता अर्ली में, फिर भी वो अच्छा ही खेल रहा है। चलो और ये डिगी क्या कर रहा है क्या पता, आई थिंक वो पुश करने की कोशिश कर रहा है, नेट को पुश भी कर दिया। और इधर हम लोगों ने ले लिया लॉट को, और इधर गया ओहो भाई डबल किल, ओह नाइस नाइस नाइस। वारिस का पैसिव अगर आप लोग ठीक तरीके से वार एक्स का पैसे यूज कर सकते हो सेवर से, तो आप लोग साइड लेन इजी खेल सकते हो विद एग्जीक्यूट। या डोंट फॉरगेट टू रिपोर्ट डीजी राइट। यार आप लोग डीजी का नाम देख लो, और अगर आप लोगों की मैच में ये बंदा पड़े तो सीधा रिपोर्ट मारना और सतर्क हो जाना पहले से ही। और भेल और भेल गया, चलो सेकंड व्हील बिल्कुल गया है, थोड़ा एक्सपी लेन में सेवर स्लो हो गया क्योंकि बिल में, क्योंकि एक्सपी लेन में गोल्ड नहीं मिलता, अगर गोल्ड लेन होता तो बहुत अच्छा होता। फिर भी ठीक है आप लोग एक्सपी लेन में भी खेल सकते हो, वायर एक्सपर्स भी लेना होगा आप लोगों को, और उसका पैसे ठीक तरीके से यूज करना होगा। और इधर रूबी ने खींच लिया, और ये झोंग और जूलियन कोशिश कर रहा है, उसको मार गया ठीक है, और मार दिया दोनों डबल किल। और मैं ओहो विंड ऑफ नेचर बच गया, शिट यार
शिट, मैंने टारगेट सही किया था पर लव नेचर। चलो देखते हैं, ये फिर भी अभी पुश कर रहा है। मेरे पास तो सीधी बिल्ड है, अल्टी भी खुल चुका है, अभी खुल गया अल्टी। पैसिव को यूज़ करना होगा मिनियन से, और ये चलो चलो ख़त्म। नाइस, ओ बच, नॉट गुड, बच गया, बच गया, बच गया। ओ भाई जान बच तो लाखों पे। घर को सेबर लौट के आए और नहीं है, लौट के आए और ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था मुझे। मैंने सोचा कि मार दूंगा बेसिक्स के अटैक से, पर एचपी ज़्यादा नहीं था, हाफ भी होता फिर भी मार देता। और मैं इधर ये बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ सी हेल्बर्ट, क्योंकि ये इस मैच में बहुत इसकी ज़रूरत है। क्यों क्यों ज़रूरत है वो भी मैं बोल रहा हूँ। ये आपको अटैक स्पीड देता है, और इसका जो मेन पैसिव है वो है एंटी हिल, जो कि इधर रूबी और यूजोंग के ऊपर काम बहुत अच्छी तरीके से करेगा। उन लोगों का लाइफ स्टील कम कर पाएगा, पूरा ख़त्म नहीं कर पाएगा पर कम होगा, बहुत ही कम, जो कि ज़रूरत है इधर। और सेबर के पास जो फर्स्ट किल है बहुत दूर की रेंज है, तो वो इजीली पोक करते हुए उन लोगों का लाइफ स्टील को बंद कर सकता है, या फिर मैं कहूँ रोक सकता है। तो चलो इधर एक गैंग होने वाला है, और एट लास्ट रूजंग चला गया, रूबी आ रहा है, राइट। फ्रोजन जो है विंटर ट्रांजिएंट वो यूज़ करता है मैजिक से, पर विंटर नेचर सिर्फ फिजिकल अटैक को यूज़ करता है। और इधर एट लास्ट, ओ नहीं हुआ भाई तुम्हारा, अल्टी बेकार गया। और ये वेल, ओ भाई साहब, ओ वीड है तो बच गया। ओ भाई वन एच पी था। इस गेम में मैं बाल बाल बच रहा हूँ, दो तीन बार तो ऐसा भी हो गया कि मैं थोड़ा थोड़ा वन एच पी करके बच गया, पर ठीक है। हमारे पास देखो गाइस, मेज तो नहीं है, मैजिक सिर्फ हमारा हाइपर है, और डिगी इधर सही तरीके से मैजिकल डैमेज नहीं दे रहा है। तो हम लोग अगर उसे बोल सकते हो कि एक मतलब कि सॉलिड मेज के सिवा ही खेल रहे हैं, हाइपर मेज है ठीक है, तो फिर भी एक अच्छा मेज की ज़रूरत होता है, जैसे कि उन लोगों के पास है भेल जो बहुत ही हाई डैमेज है और उसका सीसी भी बहुत है, तो ऐसा एक मेज की ज़रूरत होता है। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग जीतेंगे। मैंने इधर पुश कर दिया हूँ, और देखते हैं इधर, और ये वायरस का पैसिव देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। अगर 6 होगा फिर किसी को अल्टी मारना, हाँ 6 के पहले नहीं, 8 होगा तो बहुत ही अच्छा है। और इधर स्टंट पर मैंने एग्जीक्यूट मार दिया, और इधर वन वन का अल्टी चालू, मैं मर जाऊँगा शायद। और ऐसे यह गेम ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी, और इधर गेम ख़त्म हो गया। तो आप लोग सेवर को कैसे एक्सपीरियंस में यूज़ कर सकते हैं हार्ड फाइटर के अगेंस्ट, तो मैंने वो आप लोगों को दिखाया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। और इधर है आप लोगों के पास रिज़ल्ट, और ये स्टिकी को ध्यान से देख के रखिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जूलियन ने अच्छा ही खेला और मेरा दोस्त था खूफरा, तो आज के लिए इतना ही, बस बाय बाय, टाटा, जय हिंद, गुड बाय।